तो मैं बात कर रहा था इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या दिखाते हैं इसके लिए, यहाँ पे सेल्स, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें से अगर हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के खर्चे को लेस कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, तो आपको क्या मिलता है, उसको नाम दिया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर इसमें से भी लिस्ट कर देते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपको मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। फिर उसमें से भी लिस्ट करते हैं अगर इंटरेस्ट, तो माइनस आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लेकिन बिफोर टैक्सेस। और जब आप उसमें से टैक्स को भी लेस कर देते हो तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। माइनस कर देते हैं जब प्रिफरेंस डिविडेंड, तो आपको मिलता है प्रॉफिट फॉर, ये जो निकल के आता है ये इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है।